एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम देखने वाले हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हीट जोन्स ऑफ अर्थ का मतलब है कि अर्थ कहाँ कहाँ ज्यादा गर्म होती है और कहाँ कहाँ ज्यादा सर्दी पड़ती है। और गर्मी का सिद्धांत ये है कि जहाँ कहीं भी हीट डायरेक्ट पड़ेगी वो जगह ज्यादा गर्म होगी। आप एक सिंपल से तवे का मान लीजिए कि आपने एक कैंडल जला दी और उसके नीचे तवा रख दिया, तो तवा कहाँ से गर्म होगा? सबसे पहले यहाँ से गर्म होगा, फिर उसका आउटर एरिया गर्म होगा, उसके बाद उसके बाहर का इलाका गर्म होगा। तो ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ सन को मान लें, ठीक है, तो ये हमारा सन है, तो डायरेक्ट सनलाइट टॉरिड जोन पे जाती है। तो टॉरिड जोन जो है, जो कि हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये वाला है एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। लेकिन ये दोनों इलाकों को मिलाकर, दोनों इलाकों को मिलाकर बनता है टॉरिड जोन। और इस इलाके में होती है सबसे ज्यादा गर्मी, और सबसे ज्यादा गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा इवापोरेशन भी यहाँ होता है, कंडेंसेशन भी यहाँ होता है, यानी कि समुद्र का पानी भाप भी यहाँ बनता है। इवापोरेशन का मतलब है वाष्पीकरण, तो भाप भी यहाँ बनता है, फिर ये कंडेंस होकर ऊपर बादल का फॉर्म भी लेता है, और यहीं पे ये परसिपेट भी करता है, बरसता भी। तो ये इलाके घने जंगलों से भी भरे हैं और यहाँ की आबादी भी सबसे ज्यादा है। तो टॉरिड जोन में सबसे ज्यादा सूर्य की गर्मी पड़ती है। उसके बाद हम आते हैं टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन में ज्यादातर पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे या जंगल नहीं पाए जाते, ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। और एक बात कि ये नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह है वहां भी ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। और ग्रासलैंड्स के जो जानवर हैं, जो अनाज हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है कि प्लांट्स का ग्रोथ अलग सही से नहीं हो पाता है। तो वहां पे प्लांट्स की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलती है। जैसे हम टॉरिड जोन की बात करें तो यहाँ अलग अलग तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। बट राजस्थान वगैरह अगर बात करें, हम डेजर्ट्स की बात करें, तो यहाँ हमें थॉर्नी फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, कैक्टस, खेजड़ी, ऐसे बहुत सारे कैक्टी वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लास्ट में बचता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन की क्लाइमेट सबसे खतरनाक है, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, और साथ ही साथ यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लिजार्ड। तो यहाँ पर रहना सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे मुश्किल काम होता है। और इन दोनों ही जगहों पर बहुत ही नाममात्र, बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ पर सिर्फ ज्यादातर साइंटिस्ट और टूरिस्ट जाते हैं, और साइंटिस्ट भी सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए जाते हैं। वरना ये एक ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल ही मनुष्य की नजरों से ओझल है, अभी तक इन्हें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ठीक है। और पूरा ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये ज्यादातर बर्फ से भरा हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, हुई होगी। ये तीन ही है, टेम्परेट, टॉरिड और फ्रिजिड, इन तीनों को आप याद रखेंगे तो आपका हीट जोन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।